हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे, जहां पे आप पाते हैं दवाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलेग्रा टैबलेट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि एलेग्रा टैबलेट में क्या शामिल रहता है, इसमें क्या पाया जाता है। दोस्तों इस टैबलेट में फेक्सोफेनाडीन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है और दोस्तों यह मेडिसिन जो होती है एंटी हिस्टामिन सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन होती है और दोस्तों यह मेडिसिन जो होती है सेडेशन को कॉज नहीं करती। दोस्तों सेडेशन को कॉज क्यों नहीं करती, क्योंकि दोस्तों यह मेडिसिन जो होती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, इसीलिए दोस्तों यह सेडेशन कॉज नहीं करती। और दोस्तों जो एंटी हिस्टामिन फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन होती हैं, ये सारी मेडिसिन जो होती हैं सेडेशन कॉज करती हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारी मेडिसिन जो होती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशन में करते हैं, जैसे कि एलर्जी के कारण छींक आना, एलर्जी के कारण आँखों से पानी आना, एलर्जी के कारण नाक से पानी बहना, दोस्तों उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों एलर्जी के कारण आँखों में लालिमा हो जाना, या एलर्जी के कारण आँखों में खुजली होना, या एलर्जी के कारण त्वचा पर खुजली होना, दोस्तों उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जब किसी अदर मेडिसिन का एलर्जी रिएक्शन हो जाता है उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी इसके खुराक के बारे में। दोस्तों जो फेक्सोफेनाडीन टैबलेट होती है 120 mg की ओडी, यानी दिन में एक बार इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों में नहीं करते हैं, बच्चों के लिए एक सिरप आती है जिसका इस्तेमाल बच्चों में करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों इस टैबलेट से हेडेक, यानी आपके सिर में दर्द हो सकता है, डिजनेस यानी आपको चक्कर आ सकते हैं, नौजिया आपका जीव मचला सकता है। दोस्तों अगर ये सारे साइड इफेक्ट आपको लंबे समय तक दिखाई पड़ रहे हैं उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाके एक बार सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर हो सके अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।